हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय डाक विभाग के साथ जो मेरा अनुभव हुआ है उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भारतीय डाक की तरफ से सतर्क रहे, सावधान रहें। सरकार की तरफ से ये चलाया जा रहा है, लेकिन आज देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक पार्सल मैंने अपने बच्चे के लिए भेजी थी, आप देख सकते हैं 29 तारीख को ये डिस्पैच की थी और ये खुली हुई कंडीशन में आज मुझे प्राप्त हुई है। ये वहाँ पर पहुँचाई नहीं गई और इस तरह से देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है इसमें। वहाँ पर उसने कांटेक्ट किया इस बिहाफ पे, तो वहाँ पर कह दिया गया कि एड्रेस ही नॉट फाउंड, जबकि मेरा बेटा वहीं था और उसे ये पार्सल मिली नहीं है और ये खोल कर इस कंडीशन में मुझे वापस कर दी है। अब आप कहेंगे कि मुझे ये रिसीव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये पोल खोलने के लिए ये रिसीव करना ज़रूरी था। ये देखिए आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए अव्यवस्थाओं का दौर यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से ये फटा हुआ है इससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये कहीं इस तरह से रखा हुआ था कि चूहे ने इसे कुतर लिया है और उसके बाद ये घर पे मुझे भेजा गया है। प्लीज़ आप लोग कोई भी डाक अगर भारतीय डाक से भेजते हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर व्यूअर जिनको कुछ आइडिया हो इसके बारे में कि आगे मुझे क्या कदम उठाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें और मेरा सहयोग करें। बात व्यवस्था की है, इसमें जो डॉक्यूमेंट था वो बेटे तक नहीं पहुंचा है और पार्सल खोल लिया गया है। दुख इस बात का है कि हम अगर ज़रूरी सामान किसी और सर्विस से भेजते हैं तो वो वहाँ पर पहुँचती है और ये इंडियन पोस्ट ऑफिस से हमने भेजा है और ये नहीं पहुँची है और बिना पहुँचे ही लेफ्ट हो गया है और लिखा है उसमें कि एड्रेस ही नॉट फाउंड, जबकि वो वहीं था। थैंक यू।